दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार की जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। दिल्ली की 30,000 कोर्ट में सुनवाई में शामिल होने के लिए आप सांसद स्वाति मालीवाल पहुंची। विभव कुमार के वकील ने बचाव में अदालत के सामने दलील पेश की। उन्होंने सुनवाई में कौरवों और द्रौपदी का जिक्र किया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान स्वाति मालीवाल रोने लगी। विभव कुमार के वकील ने कहा कि इस केस में विभव के खिलाफ जिन धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई है उनका कोई औचित्य नहीं है। इस केस में IPC 308 के तहत मुकदमा दर्ज करने का कोई मतलब नहीं है। स्वाति मालीवाल को सीएम आवास पर बुलाया नहीं गया था। उन्होंने ज़बरदस्ती मुख्यमंत्री आवास के अंदर घुसने की कोशिश की। विभव के वकील ने कहा कि स्वाति मालीवाल को सिक्योरिटी स्टाफ ने बाहर इंतज़ार करने को कहा था, पर वो सिक्योरिटी जोन को पार कर अंदर घुस गए। सिक्योरिटी स्टाफ ने भी अपने बयान में कहा कि मैडम ने मुझसे कहा है कि आप सांसद को बाहर इंतज़ार कराओगे। विभव के वकील ने कोर्ट में बताया कि आप मुझे ऐसे नहीं रोक सकते कहते हुए स्वाति मालीवाल अंदर घुस आई। इसके बाद पीए विभव ने पूछा कि किसके निर्देश पर उसे अंदर आने की इजाज़त मिली है। विभव का ये पूछना बनता है क्योंकि मुख्यमंत्री की सुरक्षा को लेकर जवाबदेही उसकी भी है। सुरक्षाकर्मी तब अंदर गए और पूरे सम्मान के साथ उसे बाहर ले जाया गया। ऐसे में इस तरह की घटना होने का सवाल ही कब बनता है। विभव के वकील ने पूछा कि क्या एक सांसद होने के नाते आपको कुछ भी करने का लाइसेंस मिल जाता है। उन्होंने सीएम आवास पर किसी ने नहीं बुलाया था। जाहिर है वो एक सोची समझी प्लानिंग के तहत उस दिन वहाँ पहुँची थी। वो उस दिन सिक्योरिटी स्टाफ से बार बार विभव के बारे में ही पूछ रही थी। विभव के वकील ने कहा कि स्वाति मालीवाल जब बाहर आ रही थी वो सामान्य थी, उन्हें कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही थी। स्वाति के साथ अगर कुछ गलत सच में हुआ होता तो उन्होंने उसे दिन शिकायत दर्ज क्यों नहीं कराई, क्यों 3 दिन बाद उन्होंने इस मामले को लेकर FIR दर्ज कराई। विभव के वकील ने कहा कि स्वाति मालीवाल तो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुके हैं, वो एक महिला के अधिकारों से बखूबी वाकिफ हैं। अगर उनके किसी अधिकार का उल्लंघन हुआ होता तो उन्हें तुरंत शिकायत दर्ज करानी चाहिए थी। जाहिर है 3 दिन बाद जो FIR दर्ज कराई गई वो उन्होंने काफ़ी सोच समझ कर ये फैसला लिया है।